बड़ा ज्यादा था तो कभी कभी उस समय जब पंजाब से कुछ हमारे सिख और हिंदू भाई वेस्ट पंजाब से आए थे वो कहते थे हम इसे नहीं सुनेंगे। तब गांधी जी कहते थे कि अगर आप फातिहा नहीं सुनेंगे तो मैं गीता और उपनिषद की नहीं सुनाऊंगा। और उसके बाद उन्हें वहीं मारा गया। जिस दिन उन्हें मारा गया मैं उनके साथ नहीं बैठा था। उससे पहले जब ऐसी बातें आती थी और धमकियां आती थी तो मैं अपने आप से पूछता था जब मैं 10-11 साल का था 12 साल का कि अगर कोई इनको मारने को पीटने को आता है तो मेरा क्या फर्ज होगा, क्या मैं उन्हें बचा पाऊंगा। लेकिन बचाने का मौका तो मुझे नहीं मिला। उस दिन हमारे स्कूल में कुछ हो रहा था, उस दिन मैं नहीं था उनके पास। लेकिन उस वक्त से मैंने ये तो फैसला कर दिया कि मुझमें जो भी कमी है वो रहेगी लेकिन मैं अपने दादा जैसी हिम्मत अपने दिल में रखने की कोशिश करूंगा। और उस हिम्मत के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता रहूंगा। मैं आम आदमी हूं, मैं साधारण आदमी हूं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ करा सकता है। आम आदमी पार्टी एक मंच पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो किसी पर शायद ऊपर वाले पे मानता भी नहीं, उस सबको उन्होंने इकट्ठा किया है। और आम आदमी पार्टी कहती है ये जो भारत देश है हरेक का देश है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हरेक का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हरेक का है। और आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि हम ये जो नई दोस्ती बनी है, जो नई रिश्ता आम आदमी पार्टी के माध्यम से बना है हमारे देश पूरी जनता के बीच में, इस नए रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। तो जैसे आजादी की लड़ाई के लिए गांधी जी के लीडरशिप में मौलाना मोहम्मद अली और लोगों की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की लीडरशिप में मुसलमान और हिंदू एकजुट हो गया था, उसी तरह करप्शन के खिलाफ लड़ाई में मुसलमान और हिंदू और सिख एकजुट हो गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी 2 में से 1 जीत भी जाता है तो उससे लड़ने के लिए आप मुझे लोकसभा में भेजें। लोकसभा में मैं एक फाइटर रहूंगा और इस क्षेत्र में मैं आपका साथी रहूंगा। आप सबने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझ पर भरोसा दिया है, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे वो काबिलियत दे, मुझे वो हिम्मत दे, मुझे वो साथी दे, मुझे वो ताकत दे जिससे मैं आपकी भर